हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास सिक्स का जो साइंस में फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ फूड, इसके बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया गया था और फूड हमें कहाँ से मिलता है इसके बारे में बता दिया गया था। फूड से हमें जो इनर्जी मिलती है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ये रीजनल फूड ऑफ इंडिया, यानी हमारा इंडिया है इसके क्षेत्रीय भोजन क्या हैं इनके बारे में हमें क्या करना है जानना है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय हो गया और फूड ऑफ इंडिया यानी भारत के क्षेत्रीय भोजन क्या होते हैं इनके बारे में हमें क्या करना है जानना है। तो आइए देखते हैं, इंडियन फूड इज एन डाइवर्स एज इट्स कल्चर एंड क्लाइमेट, यानी जो भारत का जो भोजन है ये उनके कल्चर और क्लाइमेट के अनुसार हर जगह पे क्या है भिन्न है, हर जगह एक जैसा नहीं, हर जगह डिफरेंट है। ये कल्चर और किसके ऊपर डिपेंड करता है, कल्चर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। कल्चर और क्लाइमेट के बेस पे इंडियन जो फूड है हर जगह क्या है डिफरेंट है। उसके बाद आते हैं सम फूड आइटम्स सच एज दाल राइस मिल्क प्रोडक्ट ETC आर कॉमन इन ऑल ओवर द कंट्री बट सम फूड आइटम्स वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यानी कुछ फूड आइटम में हम जैसे राइस ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं और ये मिल्क से जितने भी बने हुए प्रोडक्ट होते हैं ये ऑल ओवर इंडिया में क्या है कॉमन है, यानी हर जगह एक ही जैसे हैं, हर जगह डिफरेंट नहीं है। लेकिन इनके अलावा कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो रीजन टू रीजन क्या है डिफरेंट है, हर जगह के क्या है अलग अलग हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। तो ये कल्चर और क्लाइमेट के बेस पे हर जगह का भोजन क्या क्या है डिफरेंट है और कुछ भोजन हर जगह क्या है सेम है। जैसे इसमें आप लोग को बताया गया ना कि दाल और राइस और मिल्क प्रोडक्ट हो गए ये ऑल ओवर इंडिया में क्या होते हैं कॉमन होने का मतलब सेम होता है। बट इनके अलावा और कोई भोजन जैसे और सारे भोजन होते हैं जैसे डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं तो मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, जो पंजाब में इसको क्या किया जाता है बहुत ज़्यादा पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग क्या करते हैं अपने भोजन में यूज करते हैं। तो ये जो भोजन हो जाएगा वहाँ का रीजनल हो जाएगा, ये रीजनल फूड हो जाएगा, जबकि वहाँ पे दाल और राइस और मिल्क प्रोडक्ट क्या होंगे सेम होंगे और नया में ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। उसी तरीके से राइस एंड सांभर आ जाएंगे, ये तमिलनाडु में क्या हो जाएगा वहाँ का रीजनल, ये क्या हो गया रीजनल फूड हो गया, वहाँ का क्षेत्रीय भोजन हो गया। तो हर एक स्टेट के अपना क्या होता है अलग अलग, उनके कल्चर और क्लाइमेट के बेस पे अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं फूड होते हैं और कुछ फूड क्या होते हैं कॉमन होते हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया में क्या किया जाता है ईट किया जाता है खाया जाता है। बट कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं वो कल्चर और क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, वो हर जगह क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को दो ही दिखाया गया है सरसों की, यहाँ पे सरसों का साग और मक्के का रोटी है इसको पंजाब में यूज किया जाता है और उसके बाद राइस एंड सांभर का यूज हम लोग तमिलनाडु में करते हैं। ऐसे ही जितने भी समुद्री एरिया में जितने भी क्षेत्र आते हैं या राज्य आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फिश मछली को क्या करते हैं खाते हैं, तो वो वहाँ का रीजनल हो जाएगा, यानी क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रीय भोजन होता है। तो हर एक स्टेट का या हर एक अपना स्पेशल जो रीजन है वहाँ का भोजन क्या है अलग अलग हो गया, तो उन्हीं भोजन को रीजनल फूड के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। रीजनल फूड जो होते हैं वो हर रीजन के क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, जबकि कुछ भोजन क्या होते हैं ऑल ओवर इंडिया में कॉमन होते हैं, जैसे दाल राइस और मिल्क प्रोडक्ट ले लिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंट फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल होते हैं वो भी एक जैसा भोजन नहीं करते हैं, हर एक एनिमल का अपना अलग अलग क्या होता है भोजन होता है। तो इनके भोजन के बेस पे भी कई टाइप्स में इनको क्या किया गया है कैटेगराइज्ड किया गया है डिवाइड किया गया है। जैसे लाइक प्लांट एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, यानी जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसी प्रकार ये जितने भी एनिमल्स होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ये क्या होते हैं पेड़ पौधों और अदर एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे आर ईट आर फॉलोज, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल यानी उनके भोजन के आधार पे, यानी जानवरों का जो भोजन होता है उनके भोजन के आकार पर इनको फाइव टाइप में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है।
फाइव टाइप में एनिमल्स को क्या किया गया, उनके भोजन के बेस पे, किसके बेस पे, उनके फूड हैबिटेट्स के बेस पे इनको फाइव कैटेगरी में क्या किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को हिंदी में शाकाहारी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अभी हम लोग ऐसे ही इंट्रोडक्शन बस जान रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा जानना है। अभी आप लोग को मतलब इनका जो एक एक टॉपिक है उनको एकदम और डीपली क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी हो गया, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी हो गया, ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी हो गया। इसके व्यंजन मतलब इसको मुर्दाखोर के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं, उनको इसके व्यंजर्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। तो भोजन के बेस पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको फाइव कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर और पैरासाइट। इन फाइव टाइप में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आइए हम सबसे पहले जानेंगे आप लोग को, जैसे कैटेगराइज किया गया तो बताया गया कि ये फूड हैबिटेट्स के आधार पे जितने भी एनिमल्स होते हैं फाइव टाइप्स के होते हैं। तो उसमें फाइव टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स आप लोग को बताया गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी जंतु, यानी दो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट सच एज फ्लावर लीव्स फ्रूट ईटीसी आर कॉल हर्बीवोरस। यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से जो मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हो गया और उसके क्या हो गए फ्रूट हो गए और उनके फ्लावर मतलब फूल हो गए, इन सभी चीज़ों को जो एनिमल्स ईट करते हैं अपने भोजन के रूप में उनका यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस के नाम से जाना जाता है, शाकाहारी जंतु के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के काउ हो गया, डियर हो गया, बफेलो, ईटीसी, ये जितने भी एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं ये हर्बीवोरस में आते हैं। यानी हर्बीवोरस एनिमल का मतलब ये हुआ ऐसे एनिमल्स विच, यहाँ पे देखिए आप लोग का दो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको खाते हैं, उन्हीं एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे काउ बोला गया, डियर और बफेलो, गाय हो गया, हिरन हो गया और भैंस हो गए, ये लोग पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको खाते हैं, तो इनको हर्बीवोरस के कैटेगरी में क्या किया गया है, रखा गया है। अब आगे चल के हर्बीवोरस को भी थ्री कैटेगरी में क्या किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया है, तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है फॉलीवोरस, और दूसरा आता है ग्रैनीवोरस, तीसरा आता है फ्रगीवोरस। तो यानी फर्स्ट हम जानेंगे फॉलीवोरस क्या होता है, दो एनिमल्स विच ईट लीव्स, यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों के पत्तियों को, सिर्फ पत्तियों को क्या करते हैं, खाते हैं, उनको फॉलीवोरस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पौधों के पत्तियों को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, फॉलीवोरस के नाम से जाना जाता है। सेकेंड दिया है ग्रैनीवोरस, ग्रैनीवोरस मतलब दो एनिमल विच ईट सीड्स, यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो सीड होते हैं, बीज होते हैं या अनाज सिंपली बोल सकते हैं, उनको खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनीवोरस के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो सीड होते हैं, बीज होते हैं या अनाज भी हम बोल सकते हैं, उनको खाते हैं, तो उनको हम ग्रैनीवोरस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके सी वाला पार्ट है फ्रगीवोरस, दो एनिमल विच ईट फ्रूट्स, यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों से हमें जो फ्रूट्स मिलता है, फल मिलते हैं, उनको जो ईट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्रगीवोरस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब आता है कार्निवोरस, सेकेंड नंबर पे क्या आता है, कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब आप लोग को बताया गया मांसाहारी जीव, कौन से जीव या मांसाहारी जानवर बोल सकते हैं। दोज एनिमल विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का क्या करते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। दोज एनिमल विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल में टाइगर हो गया, लायन हो गया, ईगल हो गया, वल्चर, ईटीसी, ये जितने भी जानवर का नाम लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल में, ये सब क्या हैं, ये सब कार्निवोरस की कैटेगरी में क्या होते हैं, आते हैं।
ये तो जानवर हो गए। जानवर के अलावा देयर आर सम प्लांट्स सच एज पीचर प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट, यानी जानवर को छोड़ दीजिए, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं क्या करते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों को इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। यानी सेकेंड में आप लोग को कार्निवोर्स बताया गया है कि दोज एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको कार्निवोर्स एनिमल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में टाइगर, लायन, ईगल हो गया, वल्चर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। और इनके अलावा कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे पीचर प्लांट दिया गया है, ये भी इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो इनको कार्निवोरस प्लांट भी बोल सकते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। बाकी जो 3 टाइप्स बच रहे हैं इनको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।